खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। लोजपा के केंद्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे रजरप्पा। लोजपा रामविलास के केंद्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, अरुण भारती, रामगढ़ जिला अध्यक्ष केवल पासवान के साथ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में हवन किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों के खुशहाली की कामना मां छिन्नमस्तिके से की। इससे पूर्व लोजपा रामविलास के केंद्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के रजरप्पा पहुंचने पर पार्टी के रामगढ़ जिला इकाई ने जिला अध्यक्ष केवल पासवान के नेतृत्व में उनको बुके देकर उत्साह के साथ स्वागत किया। पूजा अर्चना के उपरांत मीडिया कर्मियों से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 400 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार और झारखंड में विपक्षी दल खाता भी नहीं खोल पाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से पूर्व सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लेकिन इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की शानदार जीत हुई है, जो दर्शाता है कि देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और एनडीए गठबंधन पर पूरा विश्वास है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के विरुद्ध आयकर विभाग की छापेमारी के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के मिशन पर कार्य कर रही है। कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, केंद्र की एनडीए गठबंधन सरकार की जेल भेजकर देश के भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी। चुनाव में झारखंड में प्रत्याशी खड़ा करने के सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी का झारखंड में व्यापक जनाधार है, लेकिन एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए जो जरूरी होगा, पार्टी उसी नीति पर चलेगी। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। दरबार में दर्शन करने आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। मनोकामना इतनी ही है कि तमाम देशवासी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी सोच के साथ हमारा देश आगे तरक्की करे, इसी सोच इसी कामना के साथ आज माँ के दरबार में दर्शन के लिए हम लोग आए हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी सर इस बार लोजपा? लोजपा कितनी सीटों पर लड़ेगी, उससे लोजपा कितनों पर लड़ेगी वो तो खैर गठबंधन के भीतर चर्चा का विषय है, और मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा। अगर मैं कोई भी संख्या या कोई भी चर्चा सार्वजनिक पहले करूं गठबंधन में बातचीत होने से पहले, तो गठबंधन धर्म की मर्यादा के खिलाफ है। पर हाँ, इतना ज़रूर विश्वास के साथ आपको बताता हूं कि पिछली बार से बड़ी जीत इस बार एनडीए की 2024 के चुनाव में होने जा रही है। 2014 से बड़ी जीत हम लोगों ने 2019 में देखी, और 2019 से बड़ी जीत इस बार 2024 में एनडीए गठबंधन की होगी। 400 से ज़्यादा सीटों के साथ एनडीए गठबंधन इस बार केंद्र में सरकार बनाएगा। बिहार में क्या हाल होगा? बिहार में 40 की 40 सीटें, पूरी सीटें जीत रहे हैं, और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। बिहार में सबसे ज़्यादा घूमने का काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेताओं ने किया है। बिहार के हर एक गांव में जाने का काम हम लोगों ने किया है, और जनता के बीच रहकर जनता से मिले विश्वास के आधार पर ही इस बात को मैं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जनता में जो आक्रोश है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन मिलकर 40 की 40 सीटें बिहार में जीतेंगे। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।